साथियों, इन्होंने महामिलावट की, इन्होंने चौकीदार को गालियां दी, इन्होंने राम भक्तों को गालियां दी, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? इनका खेल खत्म हो गया। ये लोग अपने लिए प्रचार कर रहे थे और उधर आप लोग देश की जनता सड़कों पर उतर आई आपके इस चौकीदार का प्रचार करने के लिए। मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा हेलीपैड पे, तो वहां जो हमारे सीनियर लोग रिसीव करने आए थे, तो मैंने ऐसे उनको पूछा कि भाई चुनाव का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा, साहब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा, मतलब? बोले, भाजपा न चुनाव लड़ रही है, न भाजपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, न भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव तो उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है। साथियों, आज मोदी का प्रचार वो बहन कर रही है जिसने पूरी जिंदगी चूल्हे में निकलने वाले धुएं में गुजारी थी और उज्ज्वला योजना के तहत जिसे मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है। आज मोदी का प्रचार वो बेटी कर रही है जिसे घर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब शौचालय बन गया, जवान बेटी के लिए एक इज्जत घर मिल गया। आज मोदी का प्रचार वो गरीब मेरा भाई बहन कर रहा है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उसकी चाबी मिल गई और रहने चला गया। आज मोदी का प्रचार तो वो बूढ़े माँ बाप कर रहे हैं जिसके बच्चे का आयुष्मान भारत योजना के तहत शहर के बड़े अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और उसकी जिंदगी बच गई, इलाज हुआ, वो ताजा तैयार हो गया। आज मोदी का प्रचार वो किसान कर रहा है जिसे पीएम किसान सम्मान योजना के तहत खाते में सीधे पैसे मिलना सुनिश्चित हुआ है। आज मोदी का प्रचार वो दिव्यांग जन कर रहे हैं जिन्हें सरकार द्वारा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। पुरानी सरकारें कभी उनको अपंग कहती थी, कभी अपाहिज कहती थी, मोदी ने उनको दिव्यांग कह करके बहुत बड़ा सम्मान का काम कर दिया। आज मोदी का प्रचार वो परिवार कर रहा है जिसके बेटे मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं, जिन्हें बुलेट प्रूफ की जरूरत थी मोदी ने पहुंचा दिया, जिसे हथियार की जरूरत थी मोदी ने पहुंचा दिया, उस जवान बेटे के माँ बाप मोदी के लिए दुआ मांग रहे हैं। आज सभी एक मत होकर कह रहे हैं कि महामिलावटी लोगों, सारी कोशिश कर लो लेकिन आएगा तो